नमस्कार कराने आपको अपने अधिकारों का एहसास हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम कानून की बात दर्शकों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के कानूनों में हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि हर व्यक्ति को सस्ता और शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके कोर्ट में जजेस के पास फाइलों का जो भंडार है वो थोड़ा कम हो सके वकील तारीख पे तारीख की मांग ना करते रहें बल्कि क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि कोर्ट के बाहर ही मामलों को आपसी समझाइश से सुलझाने की कोशिश की जाए इसी व्यवस्था का एक मॉडर्न नाम है लोक अदालत तो आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालतों के लाभों के बारे में तो क्या है ये लोक अदालत और किस तरीके से ये काम करती हैं जानेंगे हमारे आज के विधि विशेषज्ञ एडवोकेट सुरेंद्र कुमार शर्मा जी से सर हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वागत तो जैसे कि आज हम लोक अदालतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि लोक अदालत आखिर होती क्या है और कैसे काम करती है देखिए राखी जी लोक अदालत भी एक जो न्यायिक प्रक्रिया ही है ये भी जी। ये भी जैसे साधारण कोर्ट जो काम करती है वैसे ही लोक अदालत काम करती है अच्छा। और ये शीघ्र न्याय दिलाने के लिए और सुलभ न्याय दिलाने के लिए और बिना खर्चिला न्याय जनता को प्राप्त हो इसलिए लोक अदालत की स्थापना की गई थी जो उन्नीस सौ को स्थापना की गई थी उसके और इंप्लीमेंट 1993 में लागू किया गया था तब से ये कार्य है लोक अदालत तो सर मतलब ये लोक अदालत की शुरुआत आज से काफी साल पहले हो चुकी है तो यदि हम इस बारे में चर्चा करें कि ये लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है इसके लाने के पीछे क्या कारण रहे क्योंकि अदालतें तो है ही तो क्यों ये लोक अदालत जैसी व्यवस्था को चालू किया गया वो इसलिए लागू चालू किया गया लोक अदालत को कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो क्योंकि कोई भी कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे खर्चीली न्याय प्रक्रिया हो गई आजकल तो उसमें भारी भरकम कोर्ट फीस लगती है तो उस कोर्ट फीस से बचने के लिए ये लोक अदालत की व्यवस्था की गई है इसमें लोक अदालत के अंदर कोर्ट फीस की नहीं लागू होती इसमें और लोक अदालत के अंदर शीघ्र न्याय हो जाता है इस पे तारीख पे तारीख नहीं डलती है इस पर दोनों पक्षकारों को बुला करके और दोनों को समझाइश के आधार पे ही न्याय किया जाता है इसके अंदर तो सर यदि हम देखें कि जो पक्षकार हैं जो पार्टीज हैं चाहे वो वादी हो प्रतिवादी हो इससे दोनों को ही फायदा मिल रहा है क्योंकि मामला जल्दी सुलझ रहा है आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से फायदे हैं लोक अदालतों के आने से जो पक्षकार को लाभान्वित करते हैं देखिये इसमें दोनों ही पक्षकारों को लाभ मिलता है इसमें जी। अदालत के अंदर कोई वाद चल रहा है तो उसमें अपन कोर्ट के समक्ष निवेदन कर सकते हैं कि साहब हमारा जो मुकदमा है उसको लोक अदालत में ट्रांसफर फरमा दीजिए अच्छा। तो उस पर कोर्ट लोक अदालत में ट्रांसफर कर देती है तो वहां जाने के बाद में दोनों को पक्षों को समझाइश की जाती है और दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप की जाती है दोनों के इश्यूज पूछे जाते हैं और दोनों की समझाइश के आधार पर ही निर्णय होता है इसमें और इसमें कोर्ट फीस की भी बचत होती है इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती इसके अंदर एक तो और अदालत में मुकदमा चलते हुए भी, भी अगर लोक अदालत में मामला ट्रांसफ़र हुआ है तो आपने जो कोर्ट फीस दी है वो कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है आपको अच्छा। और उसी टाइम मिल जाती है जिस दिन कोर्ट ने निर्णय दिया अदालत ने फैसला दिया लोक अदालत ने दिया उसी दिन वो ऑर्डर हो जाते हैं कि आपको कोर्ट फीस भी वापस दे दी जाती है

एक वर्ग के लिए नहीं सभी वर्गों के लिए होना चाहिए चाहे वो गरीब वर्ग हो जिसके पास आर्थिक साधन इतने नहीं हैं तो उसको पूरा करने में ये लोक अदालत काफी सहायक है जी जी तो सर एक तरीके से जो वकील हैं उनका काम कम हो रहा है पक्षकारों को फायदा हो रहा है क्योंकि उनका काम एक तो जल्दी हो रहा है उनका मामला जल्दी निपट रहा है दूसरा क्या कोर्ट को जजेस को भी इससे कुछ फायदे मिलते हैं देखिए इसमें कोर्ट को भी रिलीफ मिलती है इसमें अगर मामले लोक अदालत में सलटा दिए जाते हैं तो जो गंभीर प्रकृति के जो मुकदमे होते हैं उनके लिए कोर्ट को समय मिल जाता है जी अदरवाइज क्या उनमें छोटे मोटे मुकदमों में ही आ, समय व्यतीत हो जाता है इसलिए उस समय को बचाने के लिए ही लोक अदालत की स्थापना की गई थी मेनली तो कि कोर्ट में भार कम किया जाए उससे कोर्ट का भार कम हो जाएगा तो कोर्ट जो गंभीर प्रकृति के प्रकरण होते हैं उनमें अपना समय व्यतीत कर पाएगी और वो अच्छे से कर पाएगी और इधर लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझाइश से ही फैसला करवाए जाते हैं जी तो सर यदि ये देखें कि लोक लो अदालत का ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कार्यवाही चलती किस तरीके से है क्या वकील जिस तरीके से नॉर्मल कोर्ट्स में आते हैं वो ही मामले को सुलझाते हैं जज ही डिसीजन देते हैं या क्या प्रोसेस इसके रहता है इसके अंदर इसमें प्रोसेस ये होता है कि कोई भी पक्षकार लोक अदालत के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है विदाउट कोई कोर्ट फीस के जी एप्लीकेशन पे ही कोर्ट एप्लीकेशन ले लेगी लोक अदालत और दूसरे पक्षकार को नोटिस इशू कर देती है उस पे दोनों पक्षकारों को बुला लेती है पक्षकार उपस्थित हो गए फिर दोनों की समझाइश करवाई जाती है दोनों के इश्यूज मांग लिए जाते हैं कि भाई आपको क्या ग्रीवेंस है आपको क्या ग्रीवेंस है दोनों को सुन के ही फिर तय करती है कोर्ट को तो जो नॉर्मल कोर्ट्स में वकील जिस तरीके से है ना दोनों पक्षकारों का पक्ष रखते हैं इसमें भी वैसा ही होता है इसमें भी अगर पक्षकार चाहे अच्छा तो वकील को अपॉइंट कर सकता है अदरवाइज खुद भी पैरवी कर सकता हो अच्छा मतलब हमारे वकील हम खुद भी बन सकते हैं खुद बन सकते हो आप खुद भी खुद की पैरवी खुद कर सकते हो जी वहाँ पे एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती है और फिर भी अगर आवश्यकता हो तो एडवोकेट आप हायर कर सकते हैं उसमें कोई परेशानी वाली और निर्णय देने वाले लोग जजेस ही होते हैं जज ही होते हैं उसमें लोक अदालत में तो देखो बेसिक यह होता है कि रिटायर्ड जज अध्यक्षता करते हैं उसमें जी। अध्यक्ष तो रिटायर्ड जज होते हैं और दो मेंबर होते हैं उसमें एक एडवोकेट होते हैं और एक समाज सेवी जो व्यक्ति होता है उनको अपॉइंट करते हैं तीनों मिल करके ही वो उसको समझाइज करते हैं पक्षकारों के अंदर और फिर वो डिसीजन देते हैं वो मान्य होता है वो। सर कई बार ऐसा होता है कि मामले बहुत छोटे छोटे से होते हैं आपस में कोई मन मुटाव हो गया कई बार हम देखते हैं पानी बिजली के मैटर पे भी लोग आपस में मारपीट कर लेते हैं एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपस में यदि बातचीत की जाए अपना रवैया थोड़ा नर्म रखा जाए तो इन मैटर्स को सुलझाया जा सकता है तो आपके हिसाब से कोर्ट तक हम जाएँ ही नहीं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए और आपस में बातचीत से ही मामला हल हो जाए ये कितना ज़रूरी है देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि साधारण प्रकृति के जो मामले होते हैं और जन उपयोगी जो मामले होते हैं जैसे सिविल सूट हुए कोई लेन देन के मामले हुए कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हुए पारिवारिक मामले हुए बंटवारे के हुए पति पत्नी के हुए ऋण संबंधी हुए बिजली के बिल से संबंधित हुए साक्ष सफाई से संबंधित हुए ऐसे मामले ही इसमें लाए जाते हैं और उनका दोनों पक्षों को सुन करके सौहार्दपूर्ण तरीके से फैसला किया जाता है तो सर जिस तरीके से लोक अदालतों की कार्यवाही चलती है शीघ्र न्याय की स्थापना के लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होती जा रही है क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में हम देखते हैं कि एक मैटर को सुलझने में कई बार सालों लग जाते हैं दादाजी केस करते हैं ये बहुत आम सी कहावतें कही जाती हैं कि केस दादाजी ने किया है और जो डिसीज़न ले रहा है वो पोता ले रहा होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें मामले को कितनी जल्दी लगभग सुलझा जा दिया जाता है इसमें तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा तीन महीने से चार महीने के अंदर मामला सलट जाता है इसमें ज्यादा पेशियाँ नहीं होती है ना इसमें कोई लिटिगेशन ज्यादा उत्पन्न होते हैं इसके अंदर और इसमें कानून की बात भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती इसमें तो केवल पक्षकार जो अपनी ग्रेविटी होती है वो बताना होता है उसमें अच्छा। भाई आपको क्या ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस वो बतानी होती है उसके अंदर और वो स्वार्थपूर्ण वातावरण में दोनों को समझाइश के आधार पर ही वो उसका निवारण करते हैं और ऐसे मामलों के निवारण के लिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो थोड़ा झुकने के लिए तैयार हों क्योंकि यदि दोनों ही पार्टीज अड़ी रहेंगी तो लोक अदालत का जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये सफल नहीं हो पाएगा जी, जी. आपके क्या विचार है मेरा विचार यही है कि कोई भी छोटे छोटे मुकदमों को लेकर के अदालतों में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए जी. पहले ये जो फॉरम बनाए हुए हैं लोक अदालत के जिनकी मंशा भी यही है कि सस्ता और सुंदर और सरल न्याय मिले और शीघ्र न्याय मिले इसीलिए यह लोक अदालत की स्थापना की गई थी कि कोई भी व्यक्ति इसमें जाकर के अप्लाई कर सकता है और वो अपना पक्ष रख सकता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है और तुरंत न्याय हो जाता है आपका कोई भी कोई क्षतिपूर्ति का कोई विवाद है तो वो क्षतिपूर्ति भी आपको तुरंत मिल जाती है आपको उसके लिए आपको अलग से फिर एप्लीकेशन देने की या कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो दोनों पक्षों को ही मान्य होता है शर्मा जी एक चीज और कि जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं कि कोर्ट में अभी तक आए ही नहीं है पार्टी सोच रही है कि चलिए हम अब दुखी हो चुके हैं अब हमें केस ही करना पड़ेगा और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे होते हैं लोक अदालत की जो व्यवस्था है क्या ये दोनों ही मामलों के लिए है कि जो मामला कोर्ट में पहले से पेंडिंग चल रहा है उसको भी इसमें लाया जा सकता है या केवल नए मामले ही इसके लिए होते हैं देखिए इसमें दोनों ही मामले लाए जा सकते हैं इसमें फ्रेश जो मामले होंगे वो भी उसमें लाए जा सकते हैं और डायरेक्ट उसमें एप्लीकेशन लगा करके जैसे कोर्ट में काम करते हैं उसी हिसाब से इसमें भी एप्लीकेशन दे करके ही अपन न्याय की कार्यवाही कर सकते हैं उसके अंदर और उसके अलावा कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें भी अपन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे करके कोर्ट से निवेदन करके और आ, कह सकते हैं कि साहब हमारे को लोक अदालत से न्याय करवाना है हमारे को अच्छा तो उसमें कोर्ट भी उसमें कोपरेट करती है जी। और कोर्ट के आर्डर से दोनों की सहमति से वो फाइल जो कोर्ट में चल रही है वो फाइल वहाँ पे भेज दी जाती है और वहाँ दोनों की से फैसला करवाया जाता है जी। और फैसला होने के बाद में उस जो लोक अदालत जो फैसला करेगी वो फैसला कोर्ट का ही माना जाएगा अच्छा उसमें कोर्ट भी बाउंड रहेगी और वो भी बाउंड रहेंगे अच्छा। और अगर जिस कोई भी पक्षकार अगर नहीं मानता है तो वो कोर्ट उसे एग्जीक्यूशन के जरिए कार्रवाई कर सकती है वो जैसे एज अ कोर्ट के ही पावर होते हैं उसमें क्योंकि पक्षकार खुद लोक अदालत में आए हैं इसलिए अब उनकी ड्यूटी है कि वो जो है लोक अदालत का डिसीजन मानेंगे ही जी सर एक और बात कुछ मामले ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकृति के हैं कि आपस में बातचीत हो गई थोड़ी बहुत मारपीटाई हो गई और हम कोर्ट में आना केस करने के लिए पहुंच गए और कुछ मामले काफी गंभीर प्रकृति के होते हैं क्या लोक अदालतें ऐसे सभी मामलों को सुलझाती है साधारण मामले भी गंभीर मामले भी इसका भी कोई क्राइटेरिया है देखिए इसमें क्राइटेरिया अलग अलग है साधारण प्रकृति के जो अपराध होते हैं जी वही मामले लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं अच्छा गंभीर प्रकृति के जो, जो, जो मामले होते हैं जैसे मर्डर है जी, जी, रेप है जी, पोक्सो वाले हैं ऐसे जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं वो कोर्ट में ही सुलटाए जाते हैं वो मामले अच्छा वो इसमें नहीं आते हैं जो साधारण बंटवारे के मामले हो गए संपत्ति से संबंधित हो गए पति-पत्नी के से विवाद हो गए कोई लेन देन का विवाद हो गया या कोई तीन सो तेईस तीन सौ इकतालीस का कोई मुकदमा हो जैसे सीआरपीसी में प्रोविजन दे रखे तीन सो बीस में जो लिस्ट बनाई हुई है कि इन इन सेक्शन के अंदर आप लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर सकते हैं आप जी। और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन से भी अपन लोक अदालत में फैसला करवा सकते हैं अच्छा। तो वो दोनों ही प्रकृति के हैं अपन डायरेक्ट भी जा सकते हैं लोक अदालत में और अपन कोर्ट की परमिशन से भी लोक अदालत में फाइल को तो अपना फैसला करवा सकते हैं अच्छा सर हम निर्णय के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से निर्णय दिया जाता है और जैसे पक्षकारों ने जब मामले को उसमें लोक अदालत में लेकर के आए थे तब तो मान लिया कि हाँ ठीक है हम डिसीजन मानेंगे पर अब नहीं मान रहे हैं तो क्या वैलिडिटी होती है इस डिसीजन की और क्या इसके खिलाफ कोई अपील वगैरह भी की जा सकती है है इसमें क्या होता है कि लोक अदालत का कोई भी डिसीजन होगा तो वो दोनों पक्षों को ही मानना बाध्यकारी अच्छा। है वो उनको मानना ही पड़ेगा और अगर नहीं मानता है कोई एक पक्ष मान लो पलट जाता है तो उसकी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई संबंधित कोर्ट से करवाई जा सकती है उसके इम्प्लीमेंट कोर्ट करेगी करेगी वो अच्छा उसमें जा सकते हो आप और कोई मान लो कोई कार्रवाई नहीं करता है तब तो भी कोर्ट उसमें कार्रवाई करेगी मान लो सुलह नहीं हुई आपकी

जल्दी से मामला निपट जाए फीस भी नहीं लग रही है पर प्रॉब्लम यह है कई बार कि बहुत सा वर्ग ऐसा भी है जिन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि अच्छा लोक अदालत जैसी भी कोई चीज है हम उसमें भी जा सकते हैं तो कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए उन्हें अवेयर किया जाए इस बारे में देखिए इसके लिए दो प्रकार हैं एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी और एक है प्रिंट मीडिया जी इसके जरिए प्रचार प्रसार करना आवश्यक है इसमें लोगों को जागरूक करना आवश्यक है अभी भी गाँव में तो लोग भाग समझते ही नहीं है कि लोक अदालत कोई की भी कोई संस्था है या कोई फर्म है और गांव में इन्हीं शहर के अंदर भी लोग भाग जानते नहीं है कि इसकी प्रक्रिया क्या है और उसके राइट्स क्या है और उसको अधिकार का है जी। अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है वो तो सीधे हर आदमी कोर्ट में आना पसंद करता है क्योंकि उसको उस बात की जानकारी नहीं होती है इसलिए वो वहां पे जाता है वो और वकील साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम अपने राजस्थान के बारे में बात करते हैं जयपुर के बारे में बात करते हैं तो हमने सुना है कि जयपुर में भी बहुत बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता रहा है तो किस तरीके से इनका आयोजन किया गया और किस कितने लगभग मामले निपटाए गए हैं और क्या ये सफल हुई हैं देखिए ये एडवोकेट्स के प्रयास से और न्यायिक अधिकारियों के प्रयास से कोर्ट्स के प्रयास से ये जो लोक अदालत का जो मनसा थी वो बिल्कुल सफल हो रही है और इस और अग्रसर बढ़ रही है आज तक लगभग लगभग एक करोड़ सत्ताईस लाख तिहासी हजार समथिंग डिस्पोज किए जा चुके हैं इसमें और समय समय पर हमारे सिविल कोर्ट्स में भी लोक अदालत लगाई जाती है हाई कोर्ट में भी लगाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जाती है अच्छा और तीनों जगह लगाई जाती है और सर्कुलेट भी जारी किया जाता है और एक तो वो प्रक्रिया हो गई कोर्ट वाली दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप कभी भी सूट को चलते हुए भी आप कोर्ट में निवेदन करके अपने मुकदमे को लोक अदालत में भिजवा सकते हैं तो कोर्ट उसमें परमिशन से लोक अदालत में भिजवा देगी तो उससे सस्ता भी मिलेगा न्याय और शीघ्र में मिलेगा आपको न्याय शर्मा जी एक और चीज कि लोक अदालतों का आयोजन इतने टाइम से अभी किया जाता रहा है तो क्या क्या समस्याएं भी है ना देखने को मिलती होंगी कुछ तो कि हाँ हमने आयोजन तो किया है लोग लेकिन इसका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए थी पर वो नहीं है क्या समस्या इसके अंदर आई है देखिए इसमें वो जागरूकता की कमी है अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी इसके बारे में इसके जो फायदे हैं लोक अदालत के उसके बारे में पब्लिक को समझ ही नहीं है अभी इस बारे में इस बाबत प्रिंट मीडिया को भी आगे आना चाहिए और जो आपकी जो मीडिया है उसको भी आगे आना चाहिए इनको समय समय पर एड्स के जरिए और इनको लोक अदालत भी समय समय पर लगाती रहनी चाहिए पंचायत स्तर पर भी लगानी चाहिए और इनको सबको मिलजुल करके ही काम करना चाहिए तब जाकर के उसका प्रचार प्रसार पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए जी एक और बात कि यदि हम पुराने टाइम के बारे में बातचीत करते हैं कि एक टाइम होता था राजा महाराजाओं का एक टाइम फिर ये आया सरपंच वगैरह का जो अभी तक भी है ये व्यवस्था तो एक खुला दरबार होता था एक व्यक्ति एक गणमान्य इंसान यहाँ पे बैठता था और लोगों की समस्याओं को सुलझाया करता था ये भी एक तरीके से वैसी ही व्यवस्था है क्योंकि एक सुलह करने के लिए आदमी जो भी गणमान्य व्यक्ति है वो हमारे सामने रहेंगे और दो पक्षों की बात सुन कर के उसे सुलझाएंगे ये कितना ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है आगे भी ये इसका जो फ्यूचर है इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ऐसा होना ही चाहिए ये जी कोई भी मुकदमा लगाने से पहले अदालत में दावा दायर होने से पहले लोक अदालत में जाने की प्रक्रिया मस्ट कर देनी चाहिए जी उससे क्या है कि हर आदमी को उसके प्रति एक तो जागरूक हो जाएगा और वहां जाएगा तो छोटे छोटे जो मुकदमे होते हैं छोटे छोटे जो जो पक्षकारों में मनमुटाव हो जाते हैं पर मुकदमे आ जाते हैं तो वो वहीं पर सलट जाएंगे जी तो उससे क्या है कि अदालतों का भार भी कम हो जाएगा और लोक अदालत जो जिसकी स्थापना की गई थी उसके मनसा पूर्ण हो जाएगी बिल्कुल और हर आदमी जो गरीब तबके का है गाँव से भी कोई आदमी आता है तो वो उस लोक अदालत के माध्यम से अपना निवारण करवा सकता है फैसला करवा सकता है जी आ, सर आजकल हम देखते हैं कि पहले की तुलना में जो लॉ है जो विधि हमारा कानून है उसकी पढ़ाई का रुझान हर साल बढ़ता जा रहा है लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं जो यंग जनरेशन आ रही है वो लॉ के फील्ड में काफ़ी आना चाहती है तो एक प्रयास हम ये भी कर सकते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कॉलेज हैं उन्हें हम इसके साथ जोड़ दें ताकि वो इनका प्रचार प्रसार भी अच्छी तरीके से करें और जो यंग लॉयर्स बन रहे हैं वो इस तरीके के मामलों को सुलझाने के लिए आगे आएं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था हम सोच सकते हैं आगे के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं अपने और इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए जी। इसमें एडवोकेट्स की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती होती है इसमें बिना एडवोकेट्स के समझाए बिना पक्षकार समझ नहीं पाता है क्योंकि उसको फायदे और नुकसान है जो वो एडवोकेट पर ही ट्रस्ट करता है वो जी इसलिए उसको एडवोकेट तो अपॉइंट करना ही करना पड़ता है उसमें एडवोकेट्स को इसमें अगर लगाया जाता है तो पब्लिक को बहुत लाभ होगा उससे और एडवोकेट्स को अगर इसमें लगाया जाता है तो उससे कोर्ट का भार बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जी। सारे मामले जो छोटे मोटे हैं मामले जो बेलेबल ऑफेंसेज के जो मामले होते हैं वो मामले लोक अदालत के अंदर सलटाए जा सकते हैं वहाँ कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है उनको उनको तो तो उससे भार कम हो जाएगा तो कोर्ट को जो जो संगीन मामले होते हैं हैं फैसला करने में आसानी रहेगी और जो हमारे यंग लॉयर्स उन्हें एक्सपीरियंस भी होगा जी, जी। वो इस फील्ड में उतरेंगे तो जी, जी। आ, शर्मा जी एक और बात ये कि ये जो लोक अदालत की व्यवस्था है ये क्या हमारे भारत देश की ही व्यवस्था है या विश्व के अन्य देशों में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं ये तो देखो भारत देश में नहीं बाहर में भी, भी है अच्छा हर जगह है ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह यही रहती है कि न्याय की व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाया जाए बिल्कुल अपने तो ये जो व्यवस्था आज से लगभग तीस साल पुरानी व्यवस्था चल रही है तीस साल से इसी ट्रैक पे चल रहे हैं कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले और तुरंत न्याय मिले जी जी इसलिए इसकी लोक अदालत की स्थापना की गई थी अपने को और वो कहते भी हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यदि आप न्याय देने में देरी कर रहे हैं यदि देरी से न्याय मिलता है तो वो लगभग ना मिलने के बराबर ही जी। है उसी मंशा के आधार पर ये लोक अदालत की स्थापना की गई थी ताकि आपको पेशी दर पेशी कोर्ट में नहीं लेनी पड़े आपको और लिटिगेशंस नहीं बढ़े जी इसलिए और आपको शॉर्ट एंड स्वीट के आधार पर आपका पक्ष रख रख रक करके अदालत के समक्ष और वही जो जो न्यायिक कार्य कर रही है वही लोक अदालत कार्य कर रही है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आपको वहाँ ज्यादा बेनिफिट बनस्पत वहाँ और कई बार हम अज्ञानता के कारण हमारी ही देश की न्याय व्यवस्था को बहुत दोष देते हैं कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था ऐसी हो रही है हमें इतना समय लग रहा है जबकि इन चीजों के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है न्याय प्रणाली भी ऐसी है कि उसमें कई लिटिगेशन आते हैं न्याय प्रक्रिया के अंदर इसलिए इसमें प्रॉपर कोर्ट को ही दोष नहीं दे सकते कि साहब कोर्ट डिले करती है क्योंकि अपने जो संविधान है उसमें कई ऐसी स्टेजेज जा आ जा जाती है उनको फॉलो करना आवश्यक होता है वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे अगर एविडेंस की स्टेज है तो आप गवाह को बुलाना ही पड़ेगा वहाँ लिस्ट बना रखिए बीस गवाह है तो बीस गवाह को आपको बुलाना ही पड़ेगा आपको वो बिना गवाह को बुला बनाए आप कोर्ट फैसला दे नहीं सकती इसलिए वो लोक अदालत की स्थापना की गई है कि आप वहाँ जा करके अपनी चाहेंगे चर्चा कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में तो आपके हिसाब से किस तरीके से हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए नींव की ईट साबित हो सकती है देखिए ये ये जो लोक अदालत की स्थापना है इसको प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा एक नियम ही पारित कर देना चाहिए कि अदालत में शूट फाइल करने से पहले लोक अदालत में जाना मस्ट कर दे बिल्कुल ऐसा होना एक नियम नियम बना देना चाहिए कि लोक अदालत में जाओगे वहां से अगर सहमति नहीं बनती है उसके बाद ही आप अदालत के अंदर आ सकते हो अदरवाइज नहीं आ सकते तो उससे क्या है कि एक तो उधर जाने से कोर्ट का समय बचेगा और भार कम हो जाएगा कोर्टों में जो मुकदमों का जो अंबार है वो कम हो जाएंगे जी जी छोटे मोटे मुकदमे वहीं से लड़ जाएंगे इसलिए वहाँ मस्ट कर देना चाहिए बिल्कुल एक कानून का ही फॉर्म दे देना चाहिए। कानून ही बनाते कि पहले आपको लोक अदालत में जाना पड़ेगा वहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता आपको वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हो तब आप तब आप सिविल कोर्ट में आ सकते हो अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ठीक है जिस तरीके से हमारा व्यवस्था बनी हुई है की पहले लोअर कोर्ट में केस जाएगा फिर हायर कोर्ट में आएगा इसमें ऐसा नहीं है कि अगर लोक अदालत में आदमी अगर जाता है और वहां से फैसला लेता है तो उस फैसले की कहीं अपील नहीं हो सकती वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं होता वो न उसका कोई रिवीजन कर सकते उस ऑर्डर की न अपील होती उसकी उसको तो इम्प्लीमेंट कराना ही पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट अगर पक्षकार पलट भी गए तो भी उसको कराना वो सिविल कोर्ट कराएगी ये जैसे इजरा की कार्रवाई होती वैसे इजरा की कार्रवाई के जरिए कोर्ट उसको करा करके देगी केवल अपरिहार्य कोई कारण हो जाए तो उसमें केवल हाई कोर्ट में जाने का प्रोविजन है उसमें उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हो अदरवाइज सिविल कोर्ट में या डीजे कोर्ट में उसके खिलाफ अपील या नहीं करती सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इतनी उपयोगी जानकारी इतनी सहजता से प्रदान की धन्यवाद थैंक यू थैंक यू तो दर्शकों आज हमने लोक अदालत के बारे में चर्चा की और ये जाना कि जिंदगी में दो चीजें एक तो अस्पताल और एक कोर्ट इनके चक्कर जितने कम से कम हो उतना ही अच्छा है ईश्वर ने हम सभी इंसानों को अलग-अलग बनाया है हमारा स्वभाव हमारे विचार हमारा व्यवहार अलग अलग है तो मन मुटाव भी तो होगा ही ना हमारे हाथों की पांचों उंगलियां अलग हैं लेकिन इन्हें जब हम एक कर लेते हैं तो मुट्ठी के रूप में हम एक ही तो बन जाते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा हम झुकें थोड़ा दूसरे को ऊपर उठा दें और कोर्ट के बाहर ही हर समस्या को सुलझाने की लगभग एक कोशिश तो करें और फिर भी बात नहीं बनती तो लोक अदालत तो है ही तो चलिए ऐसे ही नए विषयों पर चर्चा करने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार